श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखिर पर चले ही गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी भी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? तो क्या उन्होंने जानते बूझते श्री राम को एक अनजान आपत्ति के मार्ग पर भेज दिया था? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे न तुम रोक सकती हो और न मैं। उसे न भीम की गदा रोक सकती है और न अर्जुन के बाण। इसलिए चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिता श्री को प्रतीक्षा करवाना सभ्यता का उल्लंघन है।